कुछ लोगों को यह कहना है कि ये भगवान कहाँ से आया, ना तो जिन्हें सफेद कपड़े दिए थे बिलो जी, ऐसा नहीं है। भगवान जाम्बू जी ने नाथो जी को सफेद कपड़े दिए थे, ये कहा था कि आप उनको जब बिठल नाम का कोई व्यक्ति आएगा, वो इस समाज के अंदर जो रहेगा, समाज का आगे प्रचार प्रसार करेगा, तो उसको भगवा दे देना, भगवान वस्त्र उसको दे देना। तो उन्होंने भगवा दिया। नाथो जी, रेड़ो जी, खिद्रो जी, ये संत थे, ये भगवान वस्त्रधारी थे। भगवान जाम्बू जी ने उनको भगवान पहलाया था, खुद भगवान जाम्बू जी के भगवान वस्त्र था और उनकी भगवी टोपी थी। ये आप कैसे कह सकते हो कि भगवान कहाँ से आया? भगवान परंपरा से हिंदू समाज में, हर समाज में कोई पोप होता है, पादरी होता है, और फकीर होता है, मुसलमानों में साधु संतों में संत होते हैं, हिंदू समाज में संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जैसे आपने भी समाज में रही है, कई लोग कहते हैं साधु लोग चादर पहरे हैं, तो चादर पहनना ये आपने समाज में लोग पढ़ने लिखने नहीं जा, दूसरे समाजों आम समावेश हो जिंदा बसता। जैसे धोती पहनता तो थामी पेंट पजामू आई वाली इन तरीके हूँ, आज चादर आई है दूसरे समाज, दूसरे समाज में ऐसी मान्यता है। वो भगवान एडी से चोटी तक भगवान रखते हैं। आपने समाज में पुराने ज़माने में भगवों पोती हो या टोपी ही, भगवों कुर्तो हो सफ़ेद धोती, आप पहचान ही, हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी पहचान समाप्त हो गई है। कुछ लोग धोती रखते हैं, भगवान कपड़ा रखते हैं, पोतिया रखते हैं, टोपी रखते हैं, टोपी लगभग अब आपने समाज से गायब होती जा रही है, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जो तो पोचा नहीं रखता वो अंगोछा रखता है, सिर पर बांधता सिर जरूर रखता है, ये बात ज़रूर है। तो इस पर विचार कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं, चादर पहनना तो कोई गुनाह नहीं है, चादर के अंदर लंगोटी रखते हैं, ये परंपरा है साधु संतों की, पूर्ण समाज की परंपरा है हिंदू समाज की। ये ऐसी बातों पर जो है कॉमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान कहाँ से आया? भगवान तो परंपराओं से आया, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, अभद्र भाषा नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको यही कहता हूँ कि आप साधु संत हैं, जिस तरीके हूँ पनबार निकालने की जगह मीटिंग बनाई, इतनी बड़ी मीटिंग की जरूरत को नहीं, कुछ लोग बैठ करके साधु संत ही बैठ करके, और आप जो है वहाँ साधु संतान ने जगह बाहर किया नहीं, पुनर्विचार कर लेना चाहिए। अगर आप पार देना उचित समझते हो तो ठीक है, वो ठीक जो बन ठा पड़ी है, मान कोई कोई गलतियों बाहर किया है नहीं, तो मानो पार लेना पड़ो है, ये पार दी ना करा आज मान लाना पड़ेगा नहीं, तो इनको मारी गणती आई वन ऐसा से, और ऐसा जरूर करा दो, मैं इस पक्ष में हूँ, लेकिन हमेशा आजीवन बन पार कर दा आप आठागरी को नहीं, अरे आ इन तरीके राग आनी तो दो गुट होना स्वाभाविक है, लोग मानने वाला मानी, पर इन तरीके आप दो गुट का हर करा दे बीराजी आप पैराजी और साधु संता नहीं, वापिस जो है आपके घर में आने की आज़ादी मिल लीजिए। अरे भाई डरदा रही बात हूँ कि भाई थोड़ा ठीक रहा, थोड़ी भाषा को जो का संतुलन रखा, संतुलन नहीं खोना चाहिए, साधु संतान बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, साधु संतान तो है, थोड़ा सा विचार ज़्यादा ही करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ साधु संतान में सहनशीलता है, पृथ्वी में है, दरखत में है, अन्न काटे तो ये फल दे है, तो साधु संतान ने थोड़ा विचार करना चाहिए भाई, क्रोध नहीं करना चाहिए। और आप थे मेरी जरूर मानियो, मैं तो एक भी ए बदल सबको काटो नहीं, जे कोई भूली हूँ निकल जो आवेश में भाई तो क्षमा कर दियो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपकी परंपरा से आया हूँ, कोई ऊपर से नहीं आया हूँ, इंसान की औलाद हूँ, गलतियाँ हो सकती है, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखना, साधु संतों पर जो है ठंडी नज़र, साधु दूसरों पर ठंडी नज़र रखते हैं, तो आप लोग अरदान प्रदान है, आप ही संतों को जो है ठीक रखना, आपको संत ठीक रखेंगे, सबको भगवान ठीक रखेंगे, ये कह करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय।